अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज लेसन। ऑल द रेस्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग नॉवल चैप्टर नंबर 3, प्लान नंबर 78। कम टू द पेज नंबर 21 ऑफ बुक नॉवल। ओके, दे वर टॉकिंग अबाउट द लॉज ऑफ द रूल्स एंड मोगली वॉज नॉट विलिंग टू लर्न दिस, ही वॉज बोर्ड, बट आफ्टर सम टाइम ही बिकेम एग्री टू learn the rules. Master word of which people asked Mowgli delighted to show off. The jungle has many calls, I know them all. अब मोगली ने जो है शो ऑफ करना शुरू किया, यानी शेखी बिगाड़ना शुरू किया, बताओ किन लोगों की बोलूँ, जंगल में बहुत से लोग हैं, मुझे सबकी आती है वहाँ से निकालना। Do the bird call, said Bagheera immediately. Mowgli let out a kite's whistle. अब बघीरा ने कहा अच्छा चलो उसकी परिंदों की आवाज़ निकालो। मोगली ने फटाफट परिंदों की आवाज़ निकाली, उसमें से एक चील जिसका नाम काइट था उसकी आवाज़ निकाली। नाउ ऑफ द स्नेक पीपल, सेट बघीरा, मोगली लेट आउट परफेक्ट इनडिस्क्राइबेबल ही सेंट, देन ही स्टार्टेड क्लैपिंग हिज हैंड्स टुगेदर टू अप्लॉड हिमसेल्फ। ठीक है, अप्लॉड, द मीनिंग ऑफ अप्लॉड इज हेयर एंड दिस इज़ द साउंड ऑफ अप्रूवल एट द वेरी गुड एक्ट। ठीक है, अच्छा फिर उसने कहा कि अब तुम स्नेक पीपल की निकालो, उसने बड़ी अच्छी हिस निकाली, जैसे सांप बोलते हैं तो हिस उनकी होती है करके, इनडिस्क्राइबेबल यानी बता नहीं सकते कि उन्हें उसने कितनी अच्छी निकाली है। और फिर उसने खुद ही को दाद देने के लिए तालियां बजाई। ही स्टार्टेड जंपिंग ऑन बघीराज बैक एंड मेड फेसिस एट बालू एंड शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, आई शैल हैव अ ट्राइब ऑफ माई ओन एंड लीड देम थ्रू द ब्रांचेज ऑल डे लॉन्ग। और फिर उसके बाद वो इतना खुश हुआ कि बघीरा की बैक पर जो था वो उछलने कूदने लगा और बालू को मुँह चढ़ाने लगा, ऊँचे आवाज़ में चीखने लगा, और मैं किसी दिन अपना कबीला खुद बनाऊँगा और मैं उन्हें ब्रांचेस में लेकर सारा दिन लीड करूँगा। अब आपको पता है ब्रांचेस में कौन रहता है, तो वॉट नॉन सेंस आर यू टॉकिंग अबाउट, सेट बघीरा। बघीरा ने कहा ये तुम क्या बेवकूफ़ाना बातें कर रही हो, ये सेंड थ्रो ब्रांचेज एट बालू, और मैं बालू पर क्या करूँगा, ब्रांचेस फेंकूँगा। दे हैव प्रॉमिस मी दिस, और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे वादा किया है। मोगली ने बताता गया, मोगली यू हैव बीन टॉकिंग टू द मंकी पीपल, द बंदर लोग, सेट बालू। बालू ने कहा तुम उनकी बातें कर रहे हो। मोगली लुक एट बघीरा एंड ही वॉज एंग्री टू, उसने बघीरा को देखा, बघीरा भी नाखुश था। यू हैव बीन टॉकिंग टू दोज पीपल, दो मंकी पीपल, देख ग्रे एप्स, तुम ग्रे एप्स की बात कर रहे हो, दे आर आ पीपल विदाउट एनी लॉ, वो ऐसे लोग हैं जिनको कोई तौर तरीका नहीं है, दैट इज़ अ ग्रेट शेम, ये बहुत शर्म की बात है, सेट बालू। वैन यू हैड स्मैक मी, जब तुम मुझे हर्ट करते हो यानी डांटते हो, कुछ भी करते हो, कोई तकलीफ पहुँचाते हो, दे आर द पीपल हु हेल्प मी, वो लोग मेरी मदद करते हैं, एंड टू पिटी, और मुझ पर तरस खाते हैं, एंड देन दे गेव मी नट्स एंड प्लेजेंट थिंग्स टू ईट, दे टोल्ड मी दैट आई वॉज देयर ब्लड ब्रदर एंड वुड बी देयर सम डे, देयर लीडर सम डे। अच्छा, वो अब वो उसे कहते हैं कि ठीक है, वो तो मुझे, जब तुम मुझे डांटते हो तो वो मुझ पर तरस खाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देते हैं, और वो मुझे कहते हैं कि मैं उनका ब्लड ब्रदर हूँ यानी खूनी भाई हूँ, और मैं उनका किसी दिन लीडर बन जाऊँगा। दे हैव नो लीडर, उनका कोई लीडर नहीं है, आई विल नेवर हैव वन, और कभी नहीं होगा, दे ऑलवेज लाइक, वो झूठ बोलते हैं हमेशा, सेट बघीरा। बघीरा ने कहा, दे स्टैंड ऑन देयर फीट लाइक आई डू, दे प्ले ऑल डे, लेट मी प्ले विद देम, वो अपने पाँव पर खड़े होते हैं जैसा मैं खड़ा होता हूँ, वो हमेशा खेलते हैं, मैं मुझे उनके साथ खेलने दो, लिसन मैन, कब सुनो आदमी के बच्चे, सेट बालू, हिज वॉइस थंडरिंग, वो बहुत गुस्से से कांप रहा था या उसकी गरज रही थी आवाज़, आई हैव टोल्ड यू ऑल द लॉज ऑफ द जंगल एक्सेप्ट द लॉज ऑफ मंकी पीपल हु लिव इन द ट्रीज, दे आर आउटकास्ट, वी द पीपल ऑफ जंगल हैव नो डीलिंग विद देम, मेरी बात सुनो, ये जो मैंने तुम्हें सारे जंगल के लॉज बताए हैं सिवाय मंकी पीपल के, जो दरख्तों पे रहते हैं, वो ज़ात पात से बिल्कुल बाहर हैं, और वो हम लोगों के जंगल के लोगों से बिल्कुल बाहर हैं, और हमारी उनके साथ कोई लेन देन नहीं है, दे आर शेमलेस, इवल, डर्टी, वी डू नॉट नोटिस देम, इवन दे थ्रो नट्स एंड फिल्थ ऑन आवर हेड, हम उनका तब भी, वो इतने शेमलेस और शैतान और गंदे हैं कि हम पर जब वो गंदगी और मेवा फेंकते हैं तब भी हम उनका नोटिस नहीं लेते। द मंकी पीपल आर फॉरबिडन, फॉरबिडन टू द जंगल पीपल, रिमेंबर, मंकी पीपल जंगल लोगों के लिए ममनू है, ये याद रखो। जस्ट देन द मंकी पीपल हु आर वॉचिंग दिस फ्रॉम द ट्रीज स्टार्टिंग थ्रोइंग नट्स एंड अदर थिंग्स ऑन बालू, बघीरा एंड मोगली, बालू एंड बघीरा हर्ड अवे टेकिंग मोगली विद देम,
जब उसी वक्त उसी इसना में भी आप कह सकते हो जो मंकी पीपल ऊपर से देख रहे थे उन्होंने मेवा और दूसरी चीज़ें फेंकना शुरू कर दी। बालू वगैरह मंकी को लेकर फटाफट वहाँ से भाग गए। द बंदर लोग इंडीड टू क्लियर इन टॉर्मेंटिंग द क्रिएचर्स। अब वो क्या करते हैं, बंदर लोग बॉडीली हर्ट करना, मतलब ये नीचे देखें टॉर्मेंटिंग और आउटकास्ट का मीनिंग भी है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, देख सकते हो। उन्हें खुशी महसूस होती थी जो कि एक गलत बात है, यू नो, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। द मोमेंट दे सॉ मोगली, जब उन्होंने मोगली को देखा था, दे वॉन्टेड हिम टू देयर लीडर, तो वो उसे अपना, तब से अपना लीडर बनाना चाहते थे। दे थॉट, उन्होंने सोचा दैट विद मोगली एज ए लीडर दे वुड बी कंसीडर्ड एज वाइज पीपल इन द जंगल। उन्होंने कहा कि मोगली अगर हमारा लीडर होगा तो हमें जंगल में बहुत अक्लमंद समझा जाएगा। दिस इज़ वॉट देयर प्लान, ये उनका प्लान था। दे फॉलोड बालू बगीरा एंड मोगली क्वाइटली थ्रू द जंगल। उन्होंने वो बालू बगीरा और मोगली को खामोशी से फॉलो करते। मीनवाइल उसी असना में मोगली हु वॉज फीलिंग अशेम, जो कि चर महसूस कर रहा था ऑफ हिमसेल्फ, अपने ऊपर डिसाइडेड टू हैव नो मोर टू डू विद द ग्रे एप्स, कि अब वो उनके लिए अब और डिसाइड कर किया कि मैं उनके ग्रे एप्स के लिए नहीं कुछ भी करूँगा। एज इट वॉज टाइम फॉर द मिड नैप, और ये टाइम दोपहर के सोने का था, मोगली वेंट टू स्लीप, सो गया बिटवीन द पैंथर एंड बियर, मोगली एंड बगीरा एंड बियर के दरमियान, यानी कि बालू और बगीरा के दरमियान, हु हैड बाय नाउ पार्डन्ड हिम, जिन्होंने उसे माफ़ कर दिया था। ओके बेटा, स्टेबलाइज देन ऑल द डिफिकल्ट पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, कीप देम इन योर माइंड, स्टेबलाइज।